श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के नवम स्कंद में 14वें अध्याय चंद्रवंश का वर्णन श्रवण करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। इस वंश में पुरूर्वा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्र सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्ति की और राजस्वी यज्ञ किया। उससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति जी की पत्नी तारा को हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वे इतने मतवाले हो गए कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानवों में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति जी के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने स्नेह व समस्त भूत गणों के साथ अपने विद्या गुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति जी का पक्ष लिया। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का ही पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त से देवता असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ। तदंतर अंगिरा ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह युद्ध बंद कराने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति जी के हवाले कर दिया। जब बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा तू गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, दुष्टे, मेरे क्षेत्र में यह तो किसी दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे। डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे मुझे भी संतान की कामना है। देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि यह हमें मिल जाए। अब एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि यह तुम्हारा नहीं, मेरा है। ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि यह किसका लड़का है, परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर ना दिया। बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे, तू बतलाती क्यों नहीं, तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझाकर पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा कि ये चंद्रमा का है, इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। हे परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुद्ध, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसे पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत ही आनंद हुआ। हे परीक्षित, बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से पुरूर्वा का जन्म हुआ। इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूं। एक दिन इंद्र की सभा में देवऋषि नारद जी पुरूर्वा के रूप गुण उदारता शील स्वभाव धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव उदय हो आया और उससे पीड़ित होकर वह दिव्यांगना पुरूर्वा के पास चली आई। यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण के शाप से ही मृत्यु लोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरुषरोमणि पुरूर्वा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर हैं। यह सुनकर सुर सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और वह उनके पास से चली आई। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरूर्वा के नेत्र हर्ष से खिल उठे, उनके शरीर में रोमांच आया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी से कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, तुम मेरे साथ विहार करो,
और हम दोनों यह बिहार अनंत काल तक चलता रहे। और ऋषि ने कहा, राजन आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं, भला ऐसी कौन कामली है जिनकी दृष्टि और आप में आसक्ति ना हो जाए, क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से अपना धैर्य खो बैठा है। हे राजन, जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है वही स्त्रियों को अभीष्ट होता है, अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी, परंतु मेरे प्रेमी महाराज मेरी एक शर्त है, मैं आपको द्रोहर के रूप में भेड़ के दो बच्चे सौंपती हूं, आप इनकी रक्षा करना। वीर शिरोमणि, मैं केवल घी खाऊंगी और मैथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्र ही ना देख सकूंगी। परम मनस्वी पुरूरवा ने ठीक है ऐसा कहकर उनकी शर्त स्वीकार कर ली। और फिर उर्वशी ने कहा, तुम्हारा यह सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है, यह तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है, और हे देवी कृपा करके तुम स्वयं यहां आई हो, फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा सेवन ना करेगा। हे परीक्षित, तब रोरसी काम शास्त्रोक्त पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पुरूर्वा के साथ विहार करने लगी। वे भी देवताओं की विहार स्थली चैत्र रथ नंदन वन आदि उपवनों में उसके साथ स्वच्छंद विहार करने लगे। देवी उर्वशी के शरीर से कमल की सर की सुगंध निकला करती थी। उसके साथ राजा पुरूर्वा ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया। वे उसके मुख की सुरभि से अपनी सुधबुध खो बैठते थे। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नदी देखा तब उन्होंने गंधर्व को उसे लाने के लिए भेजा और कहा, उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग फीका जान पड़ता है। वे गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहां गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को जिन्हें उसने राजा के पास धरोहर रखा था चुरा कर चलते बने। उर्वशी ने जब गंधर्वों के द्वारा ले जाए जाते हुए अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ियों को वह सुनी तब वह कह उठी कि अरे इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी गई, यह नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है, यह मेरे भेड़ों को भी ना बचा सका। इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चों को लूट कर लिए जा रहे हैं, मैं तो मर गई, देखो तो यही सही, यह दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डर कर सोया रहता है। हे परीक्षित, जैसे कोई हाथी को अंकुश से भेद डाले वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन वाणी से राजा को भेद दिया। राजा पुरूर्वा को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में ही भी उस ओर दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उनकी झपटते ही भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा पुरूर्वा भेड़ों को लेकर लौटे तब ऋषि ने उस प्रकाश में उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया, बस वह उसी समय उन्हें छोड़कर चली गई। हे परीक्षित, राजा पुरूर्वा ने जब अपने शयनागार में अपनी प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा तो वे अनमने हो गए, उनका चित्त उर्वशी में ही बसा हुआ था, वे उसके लिए शोक से विह्वल हो गए और उन्मत्त की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी को और उसकी पांच प्रसन्न मुखी सखियों को देखा और बड़ी मीठी वाणी से कहा, हे प्रिय तनिक ठहर जाओ, एक बार मेरी बात मान लो। हे निष्ठुरे, अब आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ, क्षण भर ठहरो, आओ हम दोनों कुछ बातें तो कर लें। हे देवी, अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया है, अतः मेरा यह सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है और तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िए और गीद खा जाएंगे। उर्वशी ने कहा, राजन तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत मरो,
देखो सचमुच ये भेड़िए तुम्हें खा ना जाएं। स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दय होती हैं, क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है। तनिक सी बात में चिढ़ जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती हैं। थोड़ी सी स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को मार डालती हैं। इनके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं। भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती हैं और नए नए पुरुष की चाट से उल्टा और स्वच्छंद चारिणी बन जाती हैं। तो फिर तुम धीरज धरो, तुम राज राजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रति एक वर्ष के बाद एक रात तुम मेरे साथ रहोगे। अब तुम्हारे और भी संतानें होंगी। राजा पुरूरवा ने देखा।